होम क्लास, सो वी विल लर्न इंग्लिश इन अ फनी वे। हमारे दादाजी और हमारे भैया भी इस होम क्लास में हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। आप भी इस होम क्लास में पार्टिसिपेट कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में, सो लेट अस बिगिन। दादाजी आप ये सब को क्यों देख रहे हो आज? आज अक्टूबर 16 डे तो वर्ल्ड फूड डे है। आज हमको ज्यादा खा के पेट भरने का दिन है, सही है? दादाजी आपने गलत समझा है। फूड डे मतलब, हाँ फूड डे मतलब, मैं आपको समझाता हूँ। देखो दादाजी, जो वर्ल्ड फूड डे मतलब हमको खाना खाना नहीं है, खाना सबको देना है। तो खाने के लिए वो तो उसके लिए कोई डे नहीं चाहिए ना, वो तो कभी भी खा सकते हैं। लेकिन देने के लिए कोई डे चाहिए होगा ना, उसको वर्ल्ड फूड डे बोलते हैं। उसको यूएन, यूनाइटेड नेशंस ने उसको ऑर्गेनाइज, उसको मतलब चालू किया था पहले। और उस दिन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एक डिपार्टमेंट है, उसको एस्टेब्लिश किया था। तो इसको करीब 150 कंट्रीज वैलिड मानती है इस फूड डे को। तो इस फूड डे में बेसिक हमारा मेन कंसर्न है फूड सिक्योरिटी, मतलब हर किसी को खाना पहुंचाना। साउथ अफ्रीका से लेके जो भी थर्ड वर्ल्ड नेशन है, वहाँ पे खाना पहुंचाना है मेन, फूड सिक्योरिटी है मेन। इस हम लोग क्या करना है, खाना हमारे पास है तो खाना है, कोई गरीब को थोड़ा देना है। दोनों करना है, खाना भी है थोड़ा देना भी है। थोड़ा देना है, ऐसा है तो मैम ये खाना वेस्ट भी नहीं करना है। वो वेस्ट नहीं करेंगे, एक दो तीन खरीदे वो गरीब को देंगे। ठीक है, ठीक है, सही है। वो अभी मैं सोचा ये हमको खाना खा के ये दिन में, ऐसा नहीं, सही, ठीक है। साफ हरा आप हरा, ठीक है। एडवर्ब, एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज एक्शंस और वर्ब्स। तो ये एडवर्ब का काम क्या होता है? तो एडवर्ब जो है वो एक वर्ब को यानी क्रिया को या फिर एक्शन को मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है। यानी जैसे कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में, यानी एडजेक्टिव यानी वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसे मॉडिफाई करता है। पर जो अब एडवर्ब है वो वर्ब को यानी क्रिया की विशेषता बताता है या फिर इसे मॉडिफाई करता है, यानी वो हमें बताता है कि वो कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कितनी दूर जा रहा है, वो सब हमें एडवर्ब से पता चलता है। वो एक क्रिया की विशेषता बताता है, तो हम उसे एडवर्ब कहते हैं। तो हम उसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण। तो इससे नाम से पता चलता है कि क्रिया की जो विशेषता बताता है वो है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। तो अब ये एक कॉमन एक फैक्ट है, अ लॉट ऑफ एडवर्ब्स एंड इन एल वाई। यानी आपने देखा होगा बहुत सारे एडवर्ब्स एल वाई से एंड होते हैं। जैसे कि एडवर्ब्स को हम याद करें तो सबसे पहले तो एल वाई से जो एंड होते हैं वही हमें याद आते हैं। तो अ लॉट ऑफ एडवर्ब्स एंड इन एल वाई, जैसे कि आई कैन रन क्विकली, मैं बहुत फास्ट भाग सकता हूँ। ही राइट्स नीटली, उसकी जो राइटिंग है वो अच्छी है, साफ। शी ऑलवेज राइट्स केयरफुली, वो हमेशा ध्यान से राइट करती है। शी शाउटेड एंग्रीली, वो बहुत गुस्से से चिल्लाई। तो इसमें एल वाई क्विकली, तो इसमें भी एल वाई, नीटली केयरफुली में भी एल वाई से एंड होता है, फिर एंग्रीली में भी एल वाई से एंड होता है। अब हम एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स के टाइप पढ़ते हैं, क्रिया विशेषण के प्रकार पढ़ते हैं। सबसे पहले है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, तो यानी द वे पीपल डू थिंग्स, यानी जो लोग है वो कैसे करते हैं। तो ये जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर वो हमें एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि हाउ, कैसे, ये क्वेश्चन का आंसर हमें एडवर्ब्स ऑफ मैनर देता है। जो द वे पीपल डू थिंग्स, हाउ यानी कैसे, दे क्रॉस सेफली, वो सेफ तरीके से उन्होंने क्रॉस किया, रोड क्रॉसिंग पे ऐसे। पीपल स्पीक, प्लीज स्पीक क्लियरली, यानी प्लीज आप अच्छी तरह से यानी क्लियरली आप बताएं कि आप क्या बोलना चाहते हैं। द ड्राइवर ब्रेक्ड सडनली, यानी ड्राइवर ने सडनली यानी अचानक से ब्रेक लगाई, जो ड्राइवर जैसे गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगे सडनली, तो इसमें भी हम देख सकते हैं एल वाई से एंड। तो ये जो है मैनर बता रहे हैं कैसे, तो सेफली, कैसे तो क्लियरली, ठीक तरह से, सडनली तो कैसे अचानक से, तो ये मैं हाउ का आंसर बता रहा है कैसे। अब दूसरा प्रकार है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी टाइम का, यानी जो हमें इस क्वेश्चन का आंसर देता है कि व्हेन, यानी कब हुआ, तो कब हुआ, वो उसका आंसर हमें देता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम।
इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं और इस तरह से समझने के लिए. इट रेन्ड लास्ट नाइट, यानी वो कल रात को बारिश हुई थी. तो इसमें हमें टाइम पता चल रहा है कि वेन, कब. लास्ट नाइट यानी कल रात को. जो अराइव लेट यानी जो आज लेट आया था. तो कब आया था? लेट आया था. एडवर्ब्स ऑफ टाइम यानी हम वेन का आंसर बता रहा है कि वेन तो लास्ट नाइट, वेन तो लेट. अब एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, डायरेक्शन या डिस्टेंस. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी प्लेस यानी जगह यानी कहां. हम उसे ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस क्या बताता है? कहां पे. डायरेक्शन वो भी कहां पे. डिस्टेंस तो यानी कितनी दूर, हाउ फार. तो ये सब एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, डायरेक्शन और डिस्टेंस बताता है. ऐसे कि दीस वीड्स ग्रो एवरीवेयर, ये हमें बता रहा है कि प्लेस यानी कहां पे. तो एवरीवेयर यानी जो वीड्स है वो हम अनवांटेड प्लांट्स होते हैं. जैसे क्रॉप कोई ग्रो करते हैं तो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो होते हैं तो उसे हम वीड्स कहते हैं. तो ये जो वीड्स है वो हर जगह ग्रो होते हैं, ये अनवांटेड प्लांट्स है. तो यहाँ पे प्लेस यानी कहां पे, वेयर तो एवरीवेयर. फिर आई हैव सीन हिम ऑन टेलीविजन, तो मैंने उसे टेलीविजन में यानी टीवी पर देखा हुआ. तो कहां पे? टेलीविजन पे. प्लेस कहां पे? टेलीविजन पे. अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी इससे हमें पता चलता है कि वो कितनी बार यानी एक जैसे कि एक हफ्ते में वो कोई चीज, कोई इंसान वो कोई चीज कितनी बार करता है. जैसे कि एक महीने में वो कितनी बार करता है, हाउ ऑफन यानी कितनी बार. वो क्वेश्चन का हमें आंसर देता है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो हम इसके एग्जाम्पल देखें. बुक पढ़ो. हाँ, हम बुक में से देखते हैं. तो जिम ऑलवेज गोज टू स्कूल बाय बस. जिम ऑलवेज गोज टू स्कूल बाय बस यानी जिम जो है वो हमेशा अपने स्कूल में बस से जाता है, स्कूल बस से जाता है. हम स्कूल वैन से जाते हैं, स्कूल बस से जाते हैं या फिर खुद से जाते हैं, चल के जाते हैं. तो वो कैसे जाता है? बस से जाता है. तो इसमें ऑलवेज जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी ऑलवेज. तो हाउ ऑफन कितनी बार, तो ऑलवेज हमेशा. फिर हम एक एग्जांपल देखें. तो आई वोंट मेक द मिस्टेक, सेम मिस्टेक ट्वाइस यानी मैं वो जो गलती है जो मैंने पहले किया था वो मैं दोबारा नहीं करूंगा या फिर करूंगी. तो आई वोंट मेक द सेम मिस्टेक ट्वाइस यानी दूसरी बार. तो ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ, कितनी बार, दो बार नहीं करूंगा मैं वही गलती, हम मैं दूसरी बार नहीं करूंगा. अब हम एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन देखते हैं. तो ये यानी ये हमें बताता है कि हाउ लॉन्ग यानी एक इंसान, कोई जो वर्ब है, कोई क्रिया है, कोई एक्शन है वो कितनी देर करता है. तो जो एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन हमें आंसर देता है ये क्वेश्चन का कि हाउ लॉन्ग यानी कितने ड्यूरेशन यानी कितनी देर. तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं. द स्टॉर्म लास्टेड फॉर 3 days यानी वो जो तूफान थी वो 3 दिन लगातार होता रहा. तो दादाजी आपको समझ में आया ठीक है? हाँ हाँ समझ में आया. एडवर्ब मतलब ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. हाँ आई कैन रन क्विकली. रन कैसे किया? क्विकली क्विकली. हाँ ही राइट्स नीटली मींस कैसे लिखा अच्छी तरह से. हम भी अपना कोई वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके फोन में मिलने के लिए नीचे लाल बटन होगा, सब्सक्राइब बटन से क्लिक कीजिए, बस में बेल आइकन होगा उसे भी क्लिक कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने डाउट्स और रिव्यूज कमेंट सेक्शन में डालना मत भूले. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन.